Okay, I'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम, आदाब। मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इज्जतदार मेरी माँ और बहनें, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों और जन अधिकार पार्टी और MIM पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। और बावजूद इसके कि आज जुमा है, आपने यहाँ पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर इस बात का पैगाम दिया कि इंशाअल्लाह ताला जब ओवैसी और कुशवाहा साहब एक जगह जमा हो गए, हम एक मकसद के लिए, एक नीयत हमारी एक ही है, हमारी मंजिल भी एक है और हमारी कामयाबी भी एक होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद, हमारी मंजिल यही है कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब, पिछड़े, कुचले हुए समाज के लोगों को इंसाफ नहीं दिया गया, उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया, आज ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब की लीडरशिप में यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के इन कमज़ोरों को, मजलूमों को, जो उनका हक नहीं दिया गया, उनको हक दिलाने की लड़ाई हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर 20 तारीख के दिन जो मतदान का दिन है, जिसमें माधोगढ़ विधानसभा से हमारे भाई मूल शरण कुशवाहा साहब प्रत्याशी हैं, आप उनके हक में वोट दीजिए, मतदान करिए और खूब झोली भर भर कर उनको वोट देकर उनको यहां से अपना विधायक बनाइए। वहीं पर हमारे अभी वो आएगा तो हम बंद कर देंगे, तू ही पुकार लो। जनाब जीशान कुरैशी साहब भी हैं कालपी विधानसभा से, और जनाब बालक राम दोहरे साहब हैं ओरई विधानसभा से, और तीनों का निशान गैस का सिलेंडर है। गैस के सिलेंडर पर आपको बटन दबाकर हिस्सेदारी की लड़ाई में कामयाबी हासिल करना है। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जब बना तो हमने सब ने यह तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं और वोट से नवाजती है, तो इंशाअल्लाह इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। और 2.5 साल के लिए हमारे दलित समाज से हमारा भाई होगा। और वो ये भी तय पाया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान और 3 पिछड़ा समाज और 2 पिछड़ा समाज के लोग रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, आप तमाम से मैं अपील करने आया हूं कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपने बरसों कभी बसपा को तो कभी सपा को तो कभी BJP को कामयाब किया, मगर आप जानते हैं कि माधोगढ़ विधानसभा में हर साल जब बारिश आती है, सैलाब आता है, जमीन कट जाती है, आपके घर पर मिट्टी के तोदे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ता है, अपना गांव छोड़कर चला जाना पड़ता है,
बेरोजगारी यहां के विधानसभा के नौजवानों का मुकद्दर बना दिया गया, और सैलाब जब आता है तो नेता पानी में नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से देखकर उड़कर चला जाता है। इसीलिए आपको ऐसे नेता को, ऐसे विधायक को इस विधानसभा में वोट डालकर कामयाब करना पड़ेगा कि जब सैलाब आएगी तो वो आपके साथ आपकी तकलीफ में रहेगा और आपको राहत पहुंचाएगा। जब आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, और पड़ेगी जरूर यहां पर इस विधानसभा में और कहीं पर भी, चाहे वो कल्पी विधानसभा हो और औरई विधानसभा हो, यहां पर तालीम का, शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कब तक आप बसपा सपा बीजेपी का साथ देंगे? ये सिर्फ चुनाव आता है तो नजर आते, और आवाम का वोट हासिल करने के बाद वो कभी भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ते, ये कभी आपकी तकलीफ में नहीं आते। अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं है माधोगढ़ विधानसभा में। जब कोविड की सेकेंड वेव आई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तकालीफ का आपको सामना करना पड़ा। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यहां पर माधोगढ़ विधानसभा हो, कल्पी विधानसभा हो और औरई विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर जिसका निशान है वहां पर बटन दबाकर आप इन तीनों जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को कामयाब करिए।